द टॉपिक इज डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. डेलीगेशन किसे कहते हैं? डेलीगेशन इज पासिंग डाउन अथॉरिटी डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. अपने से जूनियर लोगों को अपने जो टास्क हैं वो एलोकेट करना, बेशक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हो, डेलीगेशन कहलाता है. पासिंग डाउन अथॉरिटी. डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, यानी अपने से नीचे वाले लोगों को. अथॉरिटी पास करना डेलीगेशन कहलाता है. और अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं? द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू अकाउंट फॉर, जिसके लिए उसको अकाउंट फॉर कंसिडर किया जाए. The obligation of an individual to account for and explain their actions. Disclose the work of their work. जब किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसे अकाउंटेबल भी बनाते हैं ना फॉर सर्टेन टास्क. तो ये जो प्रोसेस है ये अकाउंटेबिलिटी कहलाता है. तो उसने जो भी रिजल्ट फिर जनरेट किया हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद ऑनेस्टी वो हमारे सामने उन्हें एक्सप्लेन करेगा. ये जो बच्चों प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि बस हम किसी को कह दें तुमने ये करना है और बस वो करके ले आए. नो, दिस इन्वॉल्व सर्टेन थिंग्स. तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो प्रोसेस है में हम अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस बता दें कि हम ये चाहते हैं कि ये इसमें से प्रोड्यूस हो अगर हम आपको ये टास्क एलोकेट कर रहे हैं, तो ताकि वो उसकी डायरेक्शन में काम करें. हमें ये इंश्योर करना है कि जिसको हम टास्क डेलीगेट कर रहे हैं और अकाउंटेबल बना रहे हैं फॉर सर्टेन थिंग्स, ही मस्ट हैव एप्रोप्रिएट स्किल्स. हमें टू वे कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम हो वो फौरन हमसे पूछे और हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें. तो अकाउंटेबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी को कहा ओके जी हमने आपको ये टास्क डेलीगेट कर दिया, वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट. नो, ये सारे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है. फिर हमें मेयरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का कुछ सिलसिला बनाना चाहिए ताकि हम दरमियान में ये देख सकें कि वेदर द पर्सन इज डूइंग परफेक्टली फाइन इन द वे वी वॉन्टेड इट और नॉट. और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज वो फेस करने वाला है इन बोथ केसेस फॉर पुअर और गुड परफॉर्मेंस इट शुड बी मेड क्लियर. शुड बी मेड क्लियर टू द एम्प्लॉय ताकि उसे पता हो कि अच्छा ये अच्छा बुरा रिवॉर्ड उसे मिलने वाला है. अच्छा, एडवांटेजेस क्या होंगे डेलीगेशन के, क्विकली जरा हम देख लें. एक तो वर्कलोड इज शेयर्ड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, तो इट गिव्स देम मोर टाइम टू फोकस ऑन अदर थिंग्स जो कि शायद स्ट्रेटेजिक रिलेटेड हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड हो सकती हैं. इट शोज द ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट्स और वो मोटिवेट होते हैं उससे. ट्रेनिंग भी हो जाती है जूनियर स्टाफ की और वो टेस्ट भी हो जाते हैं कि क्या वो फ्यूचर में मैनेजर बनाए जा सकते हैं कि नहीं.
उनकी एबिलिटीज भी टेस्ट हो जाती हैं, आई मीन। लेकिन कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, अगर टास्क वेल डिफाइंड ना हो, इन एडिक्वेट ट्रेनिंग हो, तो इन द केस द डेलीगेशन माइट नॉट बिकम सक्सेसफुल, और वो फिर सबके लिए डिमोटिवेशन का सोर्स है। इसी के लिए हमने ऊपर पढ़ा कि हमें बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए उस बंदे को जो जिसको हम डेलीगेट कर रहे हैं चीजें। डेलीगेशन माइट नॉट बिकम सक्सेसफुल। इसी तरह जूनियर्स में मेक रॉन्ग चॉइसेस, इनकरेक्ट डिसीजंस, समटाइम्स मैनेजर डेलीगेट ऑनली ओनली बोरिंग टास्क, तो बेचारे जूनियर्स फिर डिमोटिवेट होते हैं कि अच्छे वाला काम तो हमें देते नहीं। तो दीज आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अटैच्ड विद द डेलीगेशन, डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी।